शुगर्स मीटिंग में स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे YouTube मोनेटाइजेशन के नए अपडेट के बारे में। जी हां दोस्तों, YouTube मोनेटाइजेशन की नई अपडेट आ चुकी है जिसमें ये बताया गया है कि किन चैनलों का जो है कि मोनेटाइजेशन ऑन होगा और किन चैनल का मोनेटाइजेशन ऑन नहीं होगा और ये कब तक होगा और किन किन चैनलों का अगर मोनेटाइजेशन ऑन हो चुका है तो उन चैनलों का मोनेटाइजेशन भी बंद होगा, किन चैनलों का बंद होगा और किन चैनलों का चालू रहेगा, सारा सब कुछ आप इस वीडियोस में जानेंगे। तो जानने के लिए इस वीडियोस को आपको लास्ट तक देखना होगा और उम्मीद करता हूं कि ये वीडियोस आपको जरूर पसंद आएगी और ये चीज आपको जरूर जाननी चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियोस को आप लास्ट तक देखते रहें। तो चलिए फिर वीडियोस को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जिनका चैनल अभी रिव्यू में है तो मैं बताना चाहूंगा उन चैनलों का जो है कि 31 दिसंबर तक उनका क्लियर हो जाएगा कि उनका चैनल मोनेटाइजेशन होगा या नहीं होगा। और दोस्तों जिनका चैनल सेकंड रिव्यू में है उनका चैनल भी 31 दिसंबर को जो है कि मोनेटाइजेशन इनेबल हो जाएगा। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा किन चैनलों का जो है कि मोनेटाइजेशन ऑन नहीं होगा। दोस्तों बताना चाहूंगा जो लोग गूगल वॉइस का जो है कि वॉइस का यूज करके वीडियोस बनाए हैं, जैसे गूगल का वॉइस ओवर जो होता है, जो वॉइस गूगल खुद बोलता है, तो इस तरह से अगर गूगल वॉइस का यूज करके जो है वीडियोस को बनाए हैं, अपनी वॉइस को नहीं देकर, मतलब अपनी साउंड को जो है रिकॉर्ड ना करते हुए गूगल वॉइस का जो है कि प्रयोग किए हैं, उन चैनलों का जो है कि मोनेटाइजेशन ऑन नहीं होगा। सेकंड, अगर आप थर्ड पार्टी की वीडियोस को अगर यूज किए हैं, जैसे सपोज दैट कि आप जैसे कि टिकटॉक, लाइक, कवई, इस तरह के थर्ड पार्टी वीडियोस को जोड़ के अपने यूट्यूब चैनल पे जो है कि जोड़ के वीडियोस को बना रखा है, उन चैनलों का भी मोनेटाइजेशन ऑन नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, आप आइंदा से आप ध्यान आगे के लिए ध्यान रखें कि इस तरह की वीडियोस को आपको नहीं डालनी है अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों किसी वेबसाइट से कंटेंट उठाकर और ज्यों का त्यों वीडियो बना देते हैं, जैसे किसी वेबसाइट में गए किसी ब्लॉग में गए तो उसके कंटेंट को उठाकर जो चीज उसने बोला है वो चीज भी सेम आप बोलकर और उसका ज्यों का त्यों वीडियोस बना देते हैं और जो बनाकर डाल चुके हैं, उन लोगों का जो है कि चैनल भी मोनेटाइजेशन ऑन नहीं होगा। और दोस्तों जो न्यूज चैनल वाले हैं जो कि अपने न्यूज चैनल पे वीडियोस बनाने के लिए किसी अदर चैनल्स के या किसी अदर न्यूज चैनल्स की जो फोटोज को अपने यूट्यूब वीडियोस में यूज कर लेते हैं और उस तरह से अपनी वीडियोस को बनाते हैं कि दूसरे चैनल्स का फोटो यूज कर लेते हैं, खुद का जो है कि फोटो कंटेंट नहीं, फोटोज नहीं रहता, उन लोगों का भी चैनल मोनेटाइजेशन नहीं होगा। और एक चीज और है कि अगर जिन लोगों का मोनेटाइजेशन हो चुका है, जो दूसरे के फोटो को यूज किए हैं न्यूज चैनल वाले, जैसे होता नहीं कि दूसरे चैनल्स का जो फोटो यूज कर से उसे अपने न्यूज चैनल पे दिखाने के लिए, तो इस तरह से अगर आप यूज किए हुए हैं तो अगर आपका भी चैनल मोनेटाइज हो चुका है तो याद रहे आपको कि वो डिसेबल हो जाएगा, डीमोनेटाइजेशन हो जाएगा। तो इस तरह से इस चीज का आपको ध्यान रखनी है। दोस्तों एक अपडेट और भी है कि जो लोग अपने फेस को नहीं दिखाना चाहते हैं, जैसे कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके या फिर अपने वॉइस को सिर्फ अपने वीडियोस में डाल के और उसमें फोटोज वगैरह चलाते हुए अपने वीडियोस को शूट करते हैं, अपने वीडियोस को बनाते हैं, तो मैं उन लोगों के लिए बता देना चाहता हूं कि YouTube की तरफ से ये वार्निंग आई हुई है कि आप इस तरह से वीडियोस ना बनाएं, नहीं तो आगे चल के आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हो आप खुद के लिए। तो ये अपडेट आप यूट्यूब वार्निंग के लिए दी है कि आप अपने फेस को दिखाते हुए वीडियोस को बनाएं, अपने फेस को छिपाते हुए बिल्कुल भी नहीं, तो इस चीज का आपको ध्यान में रखनी है। दोस्तों YouTube ने तो तहलका मचा दिया है यार, एकदम सबको झकझोर कर रख दिया है। YouTube पे सक्सेस होना बहुत बड़े जो है कि बहुत बड़ी मुसीबत है। तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा नेक्स्ट अपडेट है कि अगर आप Google से किसी भी इमेज को लेकर अपने YouTube वीडियोस में यूज किए हुए हो तो भी आपका चैनल जो है कि मोनेटाइज नहीं होगा। एक दो फोटोज, दो चार फोटोज चल जाती है, बट अगर आप अपने सारे वीडियोस में, अक्सर सारे वीडियोस में जो है कि अगर आप अपने गूगल से उठा के फोटोज को यूज किए हो तो भी आपका चैनल जो है कि मोनेटाइजेशन नहीं होगा। तो इस चीज का आप ध्यान रखें, अगर आप दो चार फोटो यूज किए हो तो कोई बात नहीं, डरने की कोई बात नहीं, तो हो जाएगा। बट अगर आप अक्सर अपने वीडियोज में इस तरह का जो है कि यूज किए हुए हो अपने यूट्यूब चैनल पे, तो यार मोनेटाइजेशन नहीं होगा। और आगे से आप ध्यान रखिए कि आप गूगल से कोई भी इमेज जो है कि अपने यूट्यूब चैनल पे यूज ना करें, वो इमेज आपकी खुद की होनी चाहिए। यार बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यार, यूट्यूब पे सक्सेस किस तरह से हो। अगर आप किसी का भी वीडियोस अपने वीडियोस में यूज करना चाहते हो
तो पहले क्या था कि आप 30 सेकंड तक किसी का भी वीडियो जो है कि यूज कर लेते थे, तो बट अब ऐसा नहीं है, आप सिर्फ 10 सेकंड तक आप किसी के वीडियोस को जो है कि अपने वीडियोस में यूज कर सकते हो, तो उससे आपके चैनल पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। अगर आप 10 सेकंड से ज्यादा यूज करते हो तो आपका जो है चैनल मोनेटाइज होने में प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप 10 सेकंड से ज्यादा अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियोस अपलोड कर चुके हैं किसी अदर वीडियोस को डालकर, तो आपका चैनल मोनेटाइजेशन नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप दूसरे के वीडियोस को 10 सेकंड से ज्यादा यूज किए हो अपने किसी भी वीडियोस में, तो यार मोनेटाइजेशन में प्रॉब्लम होगी, नहीं हो सकता। तो इस चीज का आप आगे से ध्यान रखें कि अगर आप किसी का भी वीडियो 10 सेकंड तक जो कि यूज करते हो तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप सारे वीडियोस में ना यूज करें। ये इमरजेंसी के लिए होता है कि जैसे आपको किसी की वीडियोस की जरूरत हुई अपने वीडियोस में लगाने की, तो इस तरह से आप 10 सेकंड तक यूज कर सकते हो, बाकी उससे ज्यादा नहीं। इस चीज का ध्यान रखें, वीडियोस 10 सेकंड और म्यूजिक 30 सेकंड। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियोस आपको पसंद आया होगा, और जरा सा भी अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक कर देना, और हो सके तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल घंटे को भी प्रेस कर देना ताकि आने वाले वीडियोस आपसे मिस न हो। तो आज की वीडियोस में बस इतना ही, अपना ख्याल रखना। जय।